हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो नंबर यूजर एंटर कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक प्लेलिस्ट जनरेट कर रहा हूँ जिसमें मैं ऑलरेडी 36 बेसिक सी प्रोग्राम्स जो हैं वो अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इन्हें प्रैक्टिस करके अपने जो बेसिक सी कंसेप्ट हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। अब वीएस कोड को ओपन करेंगे एंड हमारा कोड जो है वहाँ पर हम लिखेंगे। तो फाइल पर जाऊँगा, यहाँ पर मैं ओपन फोल्डर पर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पर मेरा फोल्डर जो है वो डेस्कटॉप पर है, तो मैं डेस्कटॉप पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर यूट्यूब केशन नाम का जो फोल्डर है मैं उसे एक्सेस कर लूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फोल्डर है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर हमने और बहुत सारे प्रोग्राम कर रखे हैं, तो इनकी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप इन्हें वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम देंगे strong.c एंड देन इसे हाइड कर लूंगा मैं। एक अब यहाँ पर मैं एक मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करूँगा एंड देखेंगे आज के प्रोग्राम में हमें करना क्या है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखूँगा स्ट्रॉन्ग नंबर, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर ले लेते हैं, 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब स्ट्रॉन्ग नंबर होते क्या हैं? स्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें जिस नंबर को हमने लिया है या फिर जो नंबर हमें इनपुट मिला है उसके हर एक डिजिट का फैक्टोरियल का सम। ओके, मतलब फैक्टोरियल निकालेंगे हम यहाँ पे 5 का, देन 4 का, देन 1 का। यहाँ पर ये फैक्टोरियल निकालने के बाद में इन सब फैक्टोरियल्स को हमें ऐड करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 1 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, देन उसके बाद में यहाँ पर हमने 4 का फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट किया, देन यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल कैलकुलेट किया। तो ये क्या होगा हमारा, 1 का 1 होगा। ओके, 1 का फैक्टोरियल 1, देन 4 का 24 एंड देन 5 का 120। और इसका जो एडिशन आएगा, मतलब जो एडिशन हम करेंगे इसका, वो आएगा हमारा 145। तो जब एडिशन अगर हमारा जो एडिशन है अगर वो इक्वल्स टू हमारे एक्चुअल नंबर के है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग नंबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी को प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब सबसे पहले यहाँ पर एक बेसिक हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लेंगे हम, हमारी हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ये हमारी पहली हेड फाइल होगी। देन सेकेंड हेड फाइल होगी हमारी हैशटैग इंक्लूड conio.h। देन मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे यहाँ पर हम, देन उसके बाद में एक ओपन एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस, देन रिटर्न 0। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है सी प्रोग्राम को लिखने के लिए। अब हेडर फाइल्स का मतलब समझ लेंगे। यहाँ पर जो पहली हेडर फाइल है हमारी, उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म होने वाले हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। देन सेकेंड हेडर फाइल हमारी है conio.h, इसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर हमारे सारे प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन, जो भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो इंक्लूड होते हैं। अब यहाँ पर हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे, तो इंट नंबर, देन उसके बाद में मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा रिमाइंडर के नाम से। ओके, तो यहाँ पर रिमाइंडर की स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर मैं बनाऊंगा सम इक्वल्स टू 0, एक फैक्टोरियल निकालेंगे हम तो उसको स्टोर करने, फैक्ट इक्वल्स टू 1। उसके बाद में यहाँ पर हम एक ओरिजिनल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। ओके, और अगर बाकी कोई और वेरिएबल हमें अगर लगता है तो हम उसे बाद में डिक्लेयर करेंगे। अब यहाँ पर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद में यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करेंगे, एंटर द नंबर। ओके, यहाँ पर हमने नंबर मैसेज प्रिंट कर दिया नंबर लेने के लिए। देन स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे, नंबर जो है वो इनपुट ले लेंगे %d एंड हमें नंबर वेरिएबल में स्टोर करना है तो यहाँ पर नंबर। ओके, अब यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, एक व्हाइल लूप लगाएंगे जिसमें हम देखेंगे नंबर जब तक नॉट इक्वल्स टू हमारा 0 है जब तक हमें ये फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना है। तो मैं एक बार लॉजिक इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, देन उसके बाद में आप लोग को इसका एग्जीक्यूशन जो है वो समझा दूंगा। तो यहाँ पर अब हम करेंगे नंबर मॉड 10, देन उसके बाद में इस वैल्यू का हमें निकालना है फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम करेंगे फॉर इंट आई इक्वल्स टू 1, आई इज़ लेस देन और इक्वल्स टू जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू है वो। ओके, देन उसके बाद में आई प्लस प्लस एंड देन उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई। देन उसके बाद हमें सम कैलकुलेट करना है, तो सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कैलकुलेट हो गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे करना है नंबर इक्वल्स टू नंबर डिवाइडेड बाय 10 एंड फैक्ट की वैल्यू वापस हमें करनी है इनिशियलाइज 1 से। ओके, अब इसके बाद में हमें कंडीशन चेक करनी है यहाँ पर इफ़। उसके पहले सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजिनल इक्वल्स टू हमारा जो नंबर की वैल्यू है उसे असाइन कर देंगे। ओके, देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख चेक करेंगे अगर ओरिजिनल इक्वल्स टू हमारा जो सम निकाला हमने वो है, तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड इसे मैं थोड़ा विंडोज़ को ऊपर ले लेता हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे %d इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके,
एंड देन उसके बाद सेमी कॉलन, देन एल्स पार्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी इज नॉट अ स्ट्रांग नंबर, और यहाँ पर एक सेमी कॉलन। ओके, तो हमारा जो प्रोग्राम है यहाँ पर दोस्तों वो हो चुका है। अब मैं आपको लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन किया यहाँ पे, देन उसके बाद में प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करके एंटर द नंबर एक मैसेज प्रिंट किया, एंड नंबर को हमने क्या किया, इनपुट ले लिया। अब ओरिजिनल वेरिएबल में मैंने यहाँ पर वैल्यू क्यों स्टोर की है, क्योंकि जब हम यहाँ पर देखेंगे इस लूप में हमें जो वेरिएबल मिले नंबर की जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी जीरो, क्योंकि ये जो लूप है वो चलने वाला है इक्वल टू जीरो के लिए। जब तक नॉट इक्वल टू जीरो है जब तक ये लूप चलेगा, पर जैसे ही इक्वल टू जीरो हो जाएगा वैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा यहाँ इस लूप से। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर ओरिजिनल वेरिएबल में मेरी जो नंबर की वैल्यू है वो स्टोर की है। अब यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, इस लूप में हम बोल रहे हैं जब तक मेरा नंबर इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो है जब तक मुझे ये फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर रिमाइंडर इक्वल्स टू नंबर मॉड 10 किया, जिससे मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है, एक लास्ट वैल्यू मिलेगी मुझे यहाँ पर। ओके, तो सपोज अगर मैं नंबर लेता हूँ 145, तो मुझे यहाँ पर लास्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5। ओके, तो उसके बाद में अब मैंने क्या किया, उस 5 का मैंने फैक्टोरियल जनरेट कर लिया यहाँ से। अब मैंने फैक्टोरियल के ऊपर एक और वीडियो बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसे वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया, एंड उस फैक्टोरियल का फिर हमने क्या किया, सम में हमें उसे ऐड कर दिया। तो सम मेरा इनिशियली 0 था, अब सम प्लस फैक्ट हुआ, मतलब 0 प्लस जो भी फैक्ट होगा 5 का, मतलब 120। तो सम की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 120। ओके, देन उसके बाद में नंबर इक्वेशन नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब मेरा नंबर यहाँ पर क्या था, 145 था। अब जैसे ही मैं इसको डिवाइडेड बाय 10 करता तो मुझे क्या मिलता, कुछ आंसर इस प्रकार मिलता, 14.5। तो ये 0.5 जो वैल्यू है वो हमें इंटीजर डेटा टाइप में हमारी स्टोर नहीं होती, हमारा सिर्फ स्टोर क्या होता, 14। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लास्ट वैल्यू यहाँ से वो डिलीट हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या जाएगा ऊपर, 14। ओके, फिर सेम प्रोसीजर उसी के साथ होगी, पर अब अभी हमने क्या किया यहाँ पे, फैक्ट इक्वल्स टू 1, हमें जो फैक्ट हमने पहले निकाला था वो 120 था, हमें उसमें ही ऐड नहीं करना था या फिर हमें वो वैल्यू लेके नहीं जाना था ऊपर, इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियलाइज क्या कर दिया, फैक्ट को 1। अब हमने चेक किया क्या यहाँ पर नीचे इफ एल्स में, कि जो हमारा ओरिजिनल है मतलब ये नंबर और जो हमारा सम आ रहा है, अगर वो इक्वल टू रहे, दोनों अगर इक्वल रहे तो हमें वो नंबर क्या बोलेगा, स्ट्रांग नंबर, मतलब वो नंबर हमारे लिए क्या होगा, स्ट्रांग नंबर, एल्स वो नंबर हमारे लिए नॉट स्ट्रांग नंबर होगा। ओके, तो अब यहाँ पर हम टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, एंड देन यू पे न्यू टर्मिनल पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई भी फाइल a.txt नाम की नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, gcc करके हमारे जो फाइल है उसे कंपाइल करेंगे, और मैं यहाँ पर फाइल का नाम लिखूंगा strong.c, एंड देखिए यहाँ पर जो मेरा a.txt नाम की जो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है, आप इसे कोई भी टर्मिनल पे रन कर सकते हैं। ओके, अब इसे एक्सेस करने के लिए a प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा 145। तो यहाँ पर मुझे कुछ गार्बेज वैल्यू मिली है, तो हम यहाँ पर देखेंगे हमारे प्रोग्राम में, तो जैसे कि हमने इफ़ कंडीशन में यहाँ पर परसेंट डी की कौन सी वैल्यू हमें लेना है वो नहीं मिली है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर भी हम लिख देंगे ओरिजिनल। ओके, देन वापस इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम यहाँ पे, और मैं a.txt नाम की जो फाइल है उसे डिलीट कर देता हूँ ताकि ये वापस जनरेट हो। ओके, यहाँ पर हमें लिखेंगे gcc strong.c, देन ये देखिए मेरी जो फाइल है वो जनरेट हो चुकी है a.txt। अब इसे एक्सेस करने के लिए a और टैप प्रेस करूँगा मैं, तो यहाँ पर मेरे जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे 145 लिखेंगे, एंड 145 इज़ अ स्ट्रॉन्ग नंबर। और कोई नंबर के लिए यहाँ पर इसे रन करेंगे कंपाइल करके, जैसे 78 इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।